दोस्तों, एक ऐसा देश जहां पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए सेक्स डोल के वैश्यालयों की व्यवस्था की गई है। एक ऐसा देश जहां पर शादी विवाह या किसी भी फंक्शन में मुस्कुराते रहना जरूरी है। एक ऐसा देश जहां पर अगर किसी घर में एक टांग पर खड़ा होकर कोई व्यक्ति झाड़ू लगा देता है तो उस घर की सारी सुख समृद्धि और धन संपदा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के बहुत ही खूबसूरत देश इटली के बारे में कुछ खास और अनसुनी बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, इटली ग्रीस के बाद यूरोप का सबसे पुराना देश है। क्षेत्रफल के मामले में यह पूरे यूरोप का पांचवा सबसे बड़ा देश है। इटली की राजधानी है रोम और इसे इंटरनल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। रोम शहर तकरीबन 3000 साल पुराना है। यह शहर 1871 से देश की राजधानी बना हुआ है और यह बहुत ही खूबसूरत शहर है। जब भी दो प्यार करने वाले इस शहर में आते हैं तो वह लवर पॉइंट्स पर जाकर एक दूसरे को किस जरूर करते हैं। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर किस करने पर उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। दोस्तों, इटली में सेक्स डोल वैश्यालय खुलने के साथ ही काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। इटली में किसी भी मर्द या औरत को अपने शरीर में प्रज्वलित होने वाले सेक्स की ज्वाला को शांत करने के लिए इस तरह की वैश्यालयों का उपयोग किया जाता है। इन वैश्यालयों की खास बात यह है कि इसमें महिला सेक्स डोल के साथ साथ पुरुष सेक्स डोल भी है। यहाँ आने वाले ग्राहकों के लिए कई विकल्प हैं। इनमें वह अपनी पसंद और बजट के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं। दोस्तों, आपके विचार से क्या भारत में भी सेक्स डोल वैश्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आखिर क्यों इटली में बनाई गई शराब दुनिया में सबसे बेहतर शराब मानी जाती है? दरअसल इटली दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब बनाता है और यहाँ पर बनी हुई शराब दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट की जाती है। यहाँ पर परिवार के सभी समारोह में इसे पीना यहाँ की परंपरा में शामिल है। दोस्तों, इटली को आप सुपर कारों का घर भी कहें तो गलत नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस देश के लोगों के पास सबसे ज़्यादा सुपर कार्स होंगी, लेकिन ये बात नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर लंबोर्गिनी, बुगाटी जैसी सुपर कार्स बनाई जाती हैं और ये सभी ब्रांड इटालियन हैं, जो कि दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। दोस्तों, इटली एक बहुत ही धनी और एडवांस देश है और अर्थव्यवस्था के मामले में यह पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही बढ़िया और मॉडर्न है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ की कुल आबादी के एक तिहाई हिस्से ने आज तक इंटरनेट का इस्तेमाल तक ही नहीं किया। आखिर इतना एडवांस होने के बावजूद भी लोग यहाँ इंटरनेट का क्यों यूज नहीं करते, वह तो इटली वाले ही जाने। लेकिन आप यह बात सुनकर चौंक जाएंगे कि हमारे देश की तरह इटली भी अंधविश्वास वाला देश है, क्योंकि यहाँ पर हर साल 5 लाख लोग किसी न किसी ओझा के पास जाते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई आदमी किसी घर में एक टांग पर खड़ा होकर झाड़ू लगा देता है तो आपकी ज़िंदगी भर शादी नहीं हो सकती। हमारे देश की तरह ही यहाँ पर भी यह माना जाता है कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए। दोस्तों, हमें बचपन में सिखाया जाता है कि हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, लेकिन इटली के मिलान शहर में ऐसा कानून ही बना दिया गया है। इस कानून के अनुसार किसी भी फंक्शन में मुस्कुराते रहना ज़रूरी है, जैसे कि कहीं जाते समय या फिर आते समय। लेकिन यह नियम किसी की मौत पर लागू नहीं होता। इटली के अंदर लगभग 550 छोटे मोटे आइसलैंड्स हैं, जिनमें ओलिविया आइसलैंड बहुत ही खतरनाक है और इसको मौत का आइसलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर जो भी जाता है वह कभी भी वापस नहीं लौटता है और इसीलिए लोगों को यहाँ पर आने से मना किया जाता है। दोस्तों, रोम इटली का सबसे खूबसूरत शहर है, जिसे ज़िंदगी में एक बार देखना लगभग हर किसी का सपना रहता है। इटली के शहर को प्राचीन रोमन व्यंजन, फैशन और सिनेमा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जाकर लोगों को पता चलता है कि इटली पुराने ज़माने से ही डेवलप देश है। इसके साथ ही आप रोम में देख सकते हैं वेटिकन सिटी, जो दुनिया की सबसे चर्चित इमारतों में से एक है। वेटिकन इटली में एक ऐसी जगह है जिसका वर्णन करने के लिए किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं है। महलों का दौरा करना, सुंदर संग्रहालय की खोज करना, पुरानी सड़कों पर घूमना, छोटी छोटी गलियों की खोज करना, लहरों में नाव की सवारी करना, भोजन और शराब का स्वाद लेना और रोमांटिक माहौल का आनंद लेना, सब कुछ आपको इस शहर में मिलेगा। वेटिकन सिटी में ग्रैंड कैनाल जलमार्ग है, जो कि शहर का केंद्रीय जलमार्ग है। वेटिकन को सिटी ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। वेटिकन में लगभग 120 द्वीप समूह हैं,
जिनके बीच से विभिन्न चढ़ाई वाले चरणों से गुजरा जाता है। तो दोस्तों ये था इटली। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।